आयशा पद बिल्लो कितना सुंदर दिखती है रे तू। मैं तेरे को बहुत प्रेम करता हूँ, तेरे वास्ते अभी तक मैं शादी भी नहीं बनाया। मैं मेरे से क्यों दूर जाती तू? आ थोड़ा आ जा मेरे पास, आ जा मेरे पास, आ जा थोड़ा आ जा जा रे बाबा, काय को मूड ऑफ करता मेरा, जा। मिस्टर डिडोरकर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। चाइला सत्यानाश हो तेरा, इतना सुंदर सपना देख रहा था, मालूम है क्या तेरे को? अभी मैं अपनी बिल्लो को किस करने जा रहा था कि डिस्टर्ब कर दिया मेरे को। काई ज़्यादा कहा ना, रिपोर्ट लिखवानी है। चाइला रात के 2 बजे भी चैन नहीं साला, चला। बसा क्या हुआ बोला। मेरा नाम राहुल रस्तोगी है, उम्र 24 साल, मैं मडल एंड मेरा माबाई चौल के खोली नंबर 508 में रहता हूँ। गुड, पढ़ा लिखा मालूम होता है। कंप्लेन का है? आज रात कुछ गुंडे आए, उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे हाथ पांव तोड़ दिए और सीने में खंजर मार के मेरी हत्या कर दी। चाइला आधी रात को मैच मिला तेरे को, हैं? कुछ गुंडे लोग आए, तेरे साथ मारपीट की, तेरा हाथ तोड़ा, तेरी टांग तोड़ी, फिर तेरी हत्या कर दी, हैं? और तू चलता हुआ इधर रिपोर्ट लिखाने के लिए आया। ए, मैं अलीबाग से नहीं आया रे बाबा। जा रे बाबा जा, काय को रात को मजाक करने आया, चल जा यहाँ से जा। मिस्टर डिडोरकर, ये मजाक नहीं हकीकत है, आप अपनी रिपोर्ट लिखिए और अपनी तहकीकात कीजिए। हो लिखेगा, मैं रिपोर्ट लिखेगा, मैं रिपोर्ट लिखेगा कि तेरा मर्डर हो गया, और ये भी लिखेगा कि मर्डर भी मैच किया। मुझे एसीपी साहब से मिलना है। एसीपी साहब से मिलेगा? एसीपी साहब कोई मुंबई के पागल खाने से नहीं आए जो तेरी ऐसी रिपोर्ट लिखेंगे। मैं एसीपी साहब से बस शांत रहा, लिखता हूं मैं तेरी रिपोर्ट, लिखता हूं मैं। नाम राहुल रस्तोगी, उम्र 24 साल, मड आइलैंड रमाबाई चार खोली नंबर 508, आज दिनांक 4 कुठे गिला रे बाबा, एकदम भूत के माफी गायब हो गए। देवा रे देवा, लगता है भूत है भाई। साहिब, कैसा दिन आ गया साहिब, देखो पुलिस को जिंदा लोग से फुर्सत नहीं साहिब, और मुर्दा लोग भी कंप्लेन लिखाने आ रहे हैं साहिब। व्हाट? हाँ साहिब, एक नौजवान अभी आया साहिब और बोला कि मेरी हत्या हो गई, मेरी रिपोर्ट लिखो। हेलो साहब, साहब मैं मड आइलैंड के रमाबाई चाल से बोल रहा हूँ। यहाँ किसी का मर्डर हो गया है साहब। क्या मर्डर हो गया? जी साहब। ठीक है, हम लोग आते हैं। जी डिडोर कर, जी फोर्स निकालो। हो साहिब। चलिए हटिए आप लोग, चलिए हटिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। चलिए चलिए हटिए आप लोग, अरे हटिए आप लोग प्लीज, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? हटो यहाँ से, चलो। सर रात को नाइट शो फिल्म देख के आ रहा था,
तो देखा यहाँ पे इसको किसी ने मार के फेंक दिया है। रात को वही कोई 12:30 बजे होंगे। डिडोरकर जी सर, पलट कर देखो कि जिंदा है कि मर गया। हो सर। साहिब ये तो वही है। व्हाट? साहिब सारा बिखरा हुआ सामान को समेट कर सील कर देते हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साहिब देखना कोई सामान छूटे नहीं। हो साहिब। सिंधे तावड़े सामान बिखरे हुए हैं। लगता है कातिल के साथ हाथापाई हुई है। सर, एक डायरी मिली है, शायद उसकी पर्सनल डायरी है। ठीक है ठीक है, तुम अपना काम करो और सारे सामान को अलग अलग पॉलिथीन में पैक करो और इकट्ठा करके पुलिस स्टेशन लेके जाओ। चलो तुम सब चलो। जी साहब। आप लोगों में से कोई इसको जानता क्या है? देखो डरने का जरूरत नहीं है, पुलिस तुम लोग का साथ है भाई, समझा? बोला। अगर अब भी आपकी खामोशी नहीं टूटी तो इस लाश के साथ साथ सच्चाई भी दफन हो जाएगी। साहब ये कोई गायक था, स्ट्रगल करता था, सुबह सुबह घर से निकल जाता था, रात को देर से आता था, कभी कभी घर पे होता था तो एक लड़की। क्या एक लड़की? Tell me. साहब एक लड़की बड़ी सी गाड़ी लेके आती थी और उसे अपने साथ लेके जाती थी। तुमको वो गाड़ी का नंबर मालूम क्या? नंबर? हाँ साहब। क्या? MH43R3881 लौकर लौकर। साहिब आरटीओ से जब हमको गाड़ी का पूरा पता मिल सकता है तो हम काय को सड़क पे चूहे बिल्ले का खेल खेल रहे हैं। साहिब ढिडोरकर कितने साल से हवलदार हो? पूरा 10 साल हो गया साहिब। फिर भी नहीं समझे कि एक बहुत बड़े आदमी की गाड़ी है और उनके गिरेवान में हाथ डालने से पहले तहकीकात कर लेनी चाहिए, वरना तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। तुम यही रुको, मैं आता हूं।
मेरे को इधर काहे को लाया, ये शहर घुमाने के वास्ते? अरे भाई साहब एक मिनट, ये हार असली चंदन का है? असली चंदन का है। क्या दाम है इसका? सर उचित दाम लगा देंगे। ठीक है पैक कर दीजिए। जी। एक मिनट, एक बात बता मेरे को, ये मार्केट में जाने का कोई दूसरा गेट है क्या? हाँ सर आगे जाके लेफ्ट मारो ना। लेफ्ट है? हाँ सर। ठीक है। हाँ साला उधर से भी निकल सकता है, मैं उधर जाके देखता हूँ। मस्त बना है रे। ढिढोर कर, यहाँ क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ साहिब, आप पियेंगे? शट अप। तुमको कहा था ना वहाँ खड़े रहो। मेरे को लगा साहिब कि वो सियाना इधर से ना निकल जाए, इसके वास्ते मैं इधर आ गया। जितना कहा जाए उतना ही किया करो। ठीक है साहिब। लगता उसके बंगले पे ही जाना पड़ेगा। नमस्कार साहब। नमस्कार। तुम्हारे साहब से मिलना है। साहब नहीं है सर। कौन है? सपना मेम साहब है। सपना मेम साहब से ही मिला। ओ झुमकी आई। साहब को सपना मेम साहब से मिला दो। नमस्ते साहब, आइए। चलो तुमसे है दीवानगी, ये आशिकी ये जिंदगी सब तुमसे है, सब तुमसे है। आके लग जा गले एक बार, तू मेरा प्यार दिल का करार, तू मेरा प्यार दिल का करार। दीवानगी ये आशिकी ये जिंदगी सब तुमसे है। बीवी जी, एसीपी साहब। सपना। एसीपी साहब जी, मैं जानता हूं कि ये राइट समय नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन हम जितनी देर करेंगे कातिल हमसे उतने ही दूर होता जाएगा। आप तो राहुल की बहुत क्लोज थीं, आप उसके दोस्त और दुश्मन को जानती होंगी, आपको किसी पे शक? किस पे शक करूं एसीपी साहब? राहुल एक बहुत ही नेक दिल इंसान था, उसकी भला किसी से दुश्मनी कैसे हो सकती? उसका दिल ऐसे भी साहब, राहुल की मौत ने सपना को सदमा पहुंचाया है, गहरा सदमा। क्या आप कुछ दिनों के बाद आप तफ्तीश नहीं कर सकते? आई मीन दो चार दिनों के बाद। आप कौन? मैं सपना का मामा हूं। ओके, फिर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके। अ
अरे साहिब आ गया, चल 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 तो मैं चलाता। साहब नमस्कार। आइए साहब चलो। केस मेरी समझ में आ गया साहिब। राहुल गरीब चाल में रहता था, सपना अमीर बाप की बेटी, इसके वास्ते सपना के बाप ने राहुल का मर्डर कर दिया। केस संभला। काय बोल तो साहिब। ऐसा मेरे को लगता साहिब। वैसे आप मेरे से जास्ती ग्रेजुएट, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी सोचता हूँ साहब, क्योंकि मेरे को हवलदार से इंस्पेक्टर बनने का है ना, इसके वास्ते। एसीपी अजय हियर, क्या आपने मेरे कातिल का पता किया? Who is this? राहुल की आत्मा। What nonsense? अच्छा मिस्टर आत्मा, तुम्हें तो पता ही है कि मर्डर किसने किया है, तो तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते? अगर ये काम आत्मा और परमात्मा करने लगे तो पुलिस क्या करेगी? समझ में आई बात? हेलो हेलो हेलो, शिट। हेलो, लुक मिस्टर आत्मा, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, पहले तुम अपना नाम बताओ। कमिश्नर वर्मा स्पीकिंग। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। सर मुझे लगा कि नो प्रॉब्लम। ये बताओ कि मिडनाइट मर्डर केस में तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? कोई सुराग मिला? देखो ऊपर से बहुत प्रेशर है, मेक इट फास्ट। यस सर, बहुत जल्द प्रोग्रेस होगी, इन्वेस्टिगेशन जारी है और सर जल्द ही मुझे एक सुराग मिलने वाला है। ओके, आई शैल वेट। थैंक यू सर। ढिडोरकर। आए साहब। जी साहब। टेलीफोन एक्सचेंज में कॉल मिलाओ और उनको बोलो यहां हर आने वाले कॉल को रिकॉर्ड किया जाए। हो साहब। दीवानगी ये आशिकी ये जिंदगी सब तुमसे है, सांस की खुशबू तुम्हें आती होगी, मेरी सांसों की वो धड़कन तुम्हें मिलती होगी। जब तसव्वुर में मेरे लब तुम्हें छूते होंगे, मेरी मोहब्बत तुम्हें महसूस तो होती होगी। ये दिल लगी दिल की लगी मेरी खुशी सब तुमसे है, दीवानगी ये आशिकी ये जिंदगी सब तुमसे है। तेरे
सने पे जो लहरे है ये धानियां, चल देख अरमाने मेरे फिर से मचाए हैं हलचल। देखूं चेहरा में तेरा या तुम्हें बाहों में ले लूं, तड़पाए तेरे प्यार की चाहत सनम मुझको हर पल। आवारगी मेरी बेखुदी मेरी बंदगी सब तुमसे है, दीवानगी ये आशिकी ये जिंदगी सब तुमसे है। छोकरी भी गेली। देखा ना साहिब, मैं क्या बोला था आपको? ढिडोरकर, तुम्हारी बातों में दम लगता है। थैंक यू साहब। लगता है उसके डैडी से मिलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ नेताजी, मैं समझ सकता हूँ, देश में इलेक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। अरे चंदे की चिंता मत कीजिए, चंदा आपको इस हफ्ते मिल जाएगा। अरे नेताजी, आप सत्ता में रहेंगे तभी तो हमारा धंधा चलेगा है। साहब, एक मिनट होल्ड करना नेताजी। क्या है? वो एसीपी साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, उनको कहो बैठे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। एसीपी साहब, आप बैठिए, साहब अभी आ रहे हैं। एसीपी साहब, नमस्कार। जी नमस्कार मल्होत्रा साहब। आइए आइए बैठिए। थैंक यू। ये बताइए कैसे आना हुआ? मल्होत्रा साहब, मैं राहुल मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ, क्या आप कुछ बता सकते हैं? एसीपी साहब, वैसे तो मेरा राहुल के साथ कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन सपना के जिद के कारण मैं कुछ कर नहीं पाया। वैसे अगर देखा जाए तो राहुल हमारी सोसाइटी में कहीं भी खड़ा करने के लायक नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने स्टेटस और पोजीशन को बचाने के लिए राहुल को रास्ते से हटा दिया? एक मिनट एसीबी साहब, ये क्या मजाक है? बिना सबूत के आप हमें शक का निशाना कैसे बना सकते हैं? मामा जी, शक करना हमारे ड्यूटी में आता है। एसीपी साहब, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसकी जिद को भी मान गया था। यहाँ तक कि मैं उसकी सगाई भी कर रहा था उस लड़के के साथ, लेकिन उसी रात को वो। मिस्ट्री तो यही है कि आप सगाई के लिए तैयार भी हो गए और उसी रात राहुल का मर्डर हो गया। खैर, केस को लंबा खींचना हमारे पर्सनैलिटी को शोभा नहीं देता। सी यू सून। एसीपी साहब, गुड लक। गुड लक की जरूरत आपको है मिस्टर मल्होत्रा। वेरी इरिटेटिंग। सलाम साहब। अरे हवलदार साहब। नमस्ते साहब। ए छोटू। जी साहब। हवलदार साहब के लिए ठंडा मिंडा ला। अरे ठंडा पीने का टाइम ना है रे बाबू भाई। कहा है कि राहुल मर्डर केस का जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया है जी। इसके वास्ते तेरे को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हो साहब। ये काय को खड़ा हो गया साहब? ये शेखर है, राहुल का पड़ोसी। साहब कुछ पता चला राहुल के कातिल का? ना अभी तक तो पता नहीं चला है, छानबीन चालू है। कानून का नजर से कोई बच नहीं सकता। कितना दिन भागता फिरेगा, एक ना एक दिन तो गिरफ्त में आएगा ना। लेकिन हवलदार साहब, वो दिन आएगा कब? अरे तेरे कहने से उसको जमीन खोद के निकाल लूं क्या? बोला ना छानबीन चालू है। हाँ, सही फरमाया साहब, सही फरमाया। अभी तू चलेगा? हाँ, शेखर
छोटू अकेला है, दुकान पे ध्यान रखना। चला चलिए साहब, चलिए साहब, चल चलिए। तेरा दुकान कौन ये चलाएगा? अरे चुप बैठ, क्या है? बुरा धंधा करते हो, बाद में उल्टा बोलते हो, चुप बैठ। बुरा धंधा चुप बैठ। तुम लोग क्या करते हैं? क्यों वो लोग रेप कर रहे हैं लड़कियों का, उनको नहीं पकड़ते हो? रोज क्राइम बढ़ रहा है, उनको नहीं पकड़ते हो? बम फोड़ रहे हैं, लोग भगा के ट्रेनें बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया बर्बाद कर रहे हैं लोग, उनको नहीं पकड़ते? चुप बैठ। अरे पैसा देते हैं, पैसा देते हैं, फिर भी हमारे पीछे नहीं जाते हैं, गरीब आदमी देख के। क्या हो रहा है यहाँ? सर ये लड़कियाँ फिर से, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बार बार पुलिस स्टेशन में आके जलील होना, कोई अच्छा काम तुम लोग नहीं कर सकती? आज तुम लोगों की वजह से सारे बड़े शहर में आग लगी हुई है। साहब हम सब आग लगाते नहीं, आग बुझाते हैं। साहब आपको पता है आज के ये भेड़िए हमें नोच डालते अगर ये दीदी हमारे साथ ना होती। आपको पता है मेरी माँ को कैंसर है, अगर ये नहीं होती तो माँ का इलाज नहीं हो पाता। साहब प्लीज हमें छोड़ दो, आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें छोड़ दो साहब। आपको मालूम है साहब क्या हुआ इन लोगों के साथ? आपको कुछ नहीं मालूम है साहब, कुछ नहीं मालूम है। अगर आप होते ना साहब तो आप भी वोच करते जो मरने के है साहब। पद्मा वोच करते, चलता करो। यस सर, चलो चलागा, चलो। साहब आपके लिए मिठाई का डिब्बा भेजूं क्या साहब? साहब छोड़ दो, मुझे गलती हो गई साहब। हाँ रे अंदर आ, आत्मा दे, आत्मा दे। चाय बाबू भाई, चाय वाला। नमस्ते कर पहला। नमस्ते साहब, मैं जाता साहिब। बाबू भाई ये बताओ उस रोज रात में क्या हुआ था, मुझे डिटेल में बताओ। साहब कत्ल के बाद मैं राहुल के घर गया था, लेकिन ऐसे नहीं गया था साहब। साहब वो क्या है, मैं दुकान में बैठा हुआ था, शाम का समय था, दुकान बंद करने का समय था, कुछ ग्राहक चाय पी रहे थे इसलिए गल्ले पे बैठकर हिसाब किताब कर रहा था साहब। इतने में सपना मेम साहब का फोन आया और उसने राहुल के बारे में पूछा। साहब वो क्या है कि कभी कभी सपना और राहुल की आपस में मोबाइल पर बात नहीं होती थी तो मुझे फोन करके उसका पता करती थी, और उसने कहा कि देखिए ना चाचा आज मेरा मंगनी का दिन है और राहुल अभी तक नहीं आया, और शहर के नामी गिनामी लोग बैठ के उसका इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आया। चाचा अगर वो अभी नहीं आया तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। मैंने कहा बिटिया फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ उसके घर पे, अगर नहीं मिला तो शेखर से पता करता हूँ वो कहाँ है, अगर मिल गया तो फौरन तुम्हारे पास भेजता हूँ। साहब मैं उसके घर गया और घर के बाहर देखा तो भीड़ लगी हुई है, सामने साहब उसकी लाश पड़ी थी। लाश देखकर मैं घबरा गया और भाग कर आया, पुलिस स्टेशन में फोन किया। शायद वो फोन आपने ही उठाया था साहब। ये शेखर कौन है? साहब शेखर मेरा ग्राहक है, रोज चाय पीने आता है, बड़ा नेक लड़का है साहब। राहुल और शेखर बहुत अच्छे दोस्त थे और साहब वो LIC का एजेंट भी है। ठीक है बाबू भाई आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर बुलाएंगे। जी धन्यवाद, नमस्ते साहब। साहिब, साहिब, ये राहुल के घर से बरामद कुछ सामान साहिब। ओह यस। क्या है? मैं आपकी कुछ मदद करूं साहिब? क्या है कि मैं इस केस में बहुत घुस गया हूं साहिब। डिडोर कर, तुम अपनी ड्यूटी करो पहले। आज मुझे निशा की बदौलत इतना बड़ा ब्रेक मिल रहा है, मैं खुशनसीब हूं कि मुझे निशा जैसी दोस्त मिली। ये सब निशा की मेहरबानियों का नतीजा है। उसके फादर A सीरीज कैसेट कंपनी के मालिक
आहूजा अंकल ने अपने नए म्यूजिक एल्बम के लिए मुझे चुना है। इत्तेफाक ये भी था कि उसी दिन निशा का बर्थडे भी था। मेरे लिए दोहरी खुशी है। हम तुम्हें प्यार करने लगे, रात दिन अब तड़पने लगे। हम तुम्हें प्यार करने लगे, रात दिन अब तड़पने लगे। छा रहा है नशा, आ रहा है मजा। छा रहा है नशा, आ रहा है मजा। हम सनम तुम पे मरने लगे। आँखों में है मदहोशियाँ, जीने न दे बेताबियाँ। अच्छी लगे ना दूरियाँ, डसने लगी तन्हाइयाँ। छा रहा है नशा, आ रहा है मजा। छा रहा है नशा, आ रहा है मजा। हम सनम तुम पे मरने लगे। जब से सनम तुमसे मिले, चाहत के कितने गुल हैं खिले। बढ़ने लगी दीवानगी, तुम बन गए हो मेरी जिंदगी। छा रहा है नशा, आ रहा है मजा। छा रहा नशा, आ रहा है मजा। हम सनम तुम पे मरने लगे। हम तुम्हें प्यार करने लगे, रात दिन अब तड़पने लगे। हम तुम्हें प्यार करने लगे, रात दिन अब तड़पने लगे। वाह, क्या गाना गाया, बहुत मजा। थैंक यू सर। राहुल, राहुल तुमने तो कमाल कर दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखना ये गाना सुपर डुपर हिट होगा, है ना? कंग्रेचुलेशंस, यू वर सुपर्ब, अमेजिंग, सीरियसली। सब आपकी मेहरबानी है। अच्छा, एनीवेज, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। और दोस्ती में मेहरबानी कहाँ से आ गई? ये सब तो तुम्हारी आवाज का कमाल है जो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। अगर तुम्हारे डैड मुझको मौका ना देते निशा, तो आज मैं एक स्ट्रीट सिंगर होता। ये सब छोड़ो, मैं चाहती हूँ आज की शाम तुम मेरे साथ बिताओ। श्योर, पर कहाँ? होटल आशियाना, ठीक 8:30 बजे। ओके, डन।
चलो सी यू बाय। सी यू बाय। पड़ेसे पकड़ रहे थे उसके साथ, हाथ तो छोड़ने का जैसे मन ही नहीं कर रहा था तुम्हारा। नहीं अरे मेरी जान, वो मेरे बॉस की बेटी है और इस कंपनी की चेयरमैन, तो थोड़ा बहुत तो मस्का लगाना ही पड़ता है ना। ओहो, सारा और वैसे भी शी इज माय फ्रेंड। अरे यार, सुंदरियों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा मैं भी मुबारकबाद दे दूं। अरे सूरज मुबारक हो भाई, तुम्हारे लिखे ही तो गीत गा रहा हूँ मैं। कमाल कर दिया यार। राहुल जी, आपको आहूजा साहब बुला रहे हैं। हाँ आया। अच्छा यार सूरज, तुम सपना को जरा घर छोड़ देना, ठीक है? मैं भी तुम सबसे मिलता हूँ, ठीक है? ओके चले, चलते हैं। मैं कमिन सर। अरे कमिन कमिन राहुल। अरे बरखुरदार, तुम्हें इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटी निशा ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। वैसे भी तुम हमारी ऑडियो कंपनी के लीडिंग सिंगर हो यार। थैंक यू सर। तुम्हें पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है कि इस एल्बम के रिलीज होते ही शोहरत का वो मुकाम हासिल होने वाला है जो बहुत कम सिंगर्स को मिलता है। सर मेरी सफलता का श्रेय के हकदार मेरे भगवान, मेरी माँ और आप है सर। और निशा जी ऑफ कोर्स। नॉटी बॉय, ये है तुम्हारा पहला चेक। थैंक यू सर। बाकी रॉयल्टी भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। गॉड थैंक यू सर। थैंक यू। कीप इट अप। यस वीना, भेजो इसको। नमस्कार बाबू भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार। हम तुम्हें प्यार करने लगे। क्या बात है राहुल, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। बाबू भाई मैं अभी अभी सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ और सभी लोगों को मेरा गाना बहुत पसंद आ रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ए छोटू। जी साहब। जा मेरी तरफ से राहुल को लाके चाय पिला, जा। अभी ले राहुल। अरे शेखर भी आ गया। अरे शेखर, छोटू जी एक चाय शेखर के लिए भी लाना, बैठ के चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो। और शेखर कैसे हैं आप? मस्त। शेखर मैं अभी अभी रिकॉर्डिंग कॉम्पिलेशन का चेक लेके आया हूँ। वाओ, ये देख मेरे रिकॉर्डिंग कॉम्पिलेशन का चेक। कॉन्ग्रेट्स यार, क्या अमाउंट है? बहुत बड़ी अमाउंट है यार। सही है, अब तो मेरा काम भी हो जाएगा। अब तो तुम्हें इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा। वैसे भी अब तुम सेलिब्रिटी बन जाओगे और हमारी बस्ती को छोड़कर ससुर के बंगले में घुस जाओगे। यार अभी कहाँ, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत मेहनत करनी है हर चीज के लिए। तो अभी एक मैं हूँ कि अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ और तू है कि बीमा 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 मेरे मौत के पीछे पड़ गया। अरे नहीं मेरे भाई, तू गलत समझ रहा है। देख इंश्योरेंस का मतलब जिंदगी और जिंदगी के बाद भी होता है। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले माँ का आशीर्वाद तो लेके आने दे, तू यहीं बैठ, बस मैं अभी आया। माँ ये देखिए आपके बेटे की पहली कमाई, बहुत बड़ी अमाउंट है ना। बस अब आप यूं समझिए कि हमारे दुख के दिन बिल्कुल खत्म हो गए। मैं आपको जल्दी अपने पास बुला लूंगा, बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। मैं कितना खुश नसीब हूं जो मेरा मनचाहा कैरियर मिला, सपना का प्यार मिला और निशा जैसी दोस्त। निशा मैं तुम्हारी किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। निशा गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, आई वांट टू सी मिस्टर आहूजा। जस्ट अ मिनट। यस। सर एसीपी अजय आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज सेंड हिम इन। ओके यू कैन थैंक यू। ओह एसीपी साहब आइए आइए। कैसे हैं आहूजा साहब? जस्ट वन मिनट। कहिए कुछ पता चला? इसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूं, शायद कोई क्लू मिल जाए। देखिए राहुल मेरे बिजनेस का ट्रंप कार्ड था, ट्रंप कार्ड। आपको पता नहीं हमारे ऑडियो बिजनेस में कितना कंपटीशन है। राहुल उसके साथ मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया था, पब्लिसिटी भी हो गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया मेरा। आहूजा साहब इसीलिए मैं निशा से मिलकर भी पूछताछ करना चाहता हूं।
एसीपी साहब, दरअसल राहुल की मौत के बाद उसने ऑफिस आना जाना बंद कर दिया है। बहुत सदमे में, बहुत सदमे थे उसके। यस आई कैन अंडरस्टैंड, दोस्ती की जुदाई काफी मुश्किल होती है। एसीपी साहब आप ही उसे समझाइए, होनी को कौन टाल सकता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट आहूजा साहब। बाय द वे निशा घर पे ही है ना? जी, जब से ये हादसा हुआ है वो कहीं आती जाती नहीं है, यूं ही गुमसुम सी बैठी रहती है। बारिश में भीगा हूँ रात भर, जर्रे जर्रे में तू ही तू आए क्यों नजर। ख्वाबों की बारिश में भीगा हूँ रात भर, जर्रे जर्रे में तू ही तू आए क्यों नजर। खुद से ही खुद अजनबी सा हो गया हूँ, खुद को ही ढूंढता हूँ, मैं खुद में ही खो गया हूँ। जाने क्यों इन आँखों में तेरा इंतजार है, क्या मुझे होने लगा अब तुमसे प्यार है। जाने क्यों इन आँखों में तेरा इंतजार है, क्या मुझे होने से प्यार है। ओ, 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 ख्वाबों में खया की हवाओं में घटाओं में तू ही है जाने जा। मेरी तन्हाई मिटा दे मुझको गले से, लगा ले सोई सोई रातों को मेरी तू जगा दे। तू है मेरी जिंदगी है क्या तुझे खबर, चाहत ने तेरी मुझ पे ऐसा किया असर। खुद से ही खुद अजनबी सा हो गया हूँ, खुद को ही ढूंढता हूँ, मैं खुद में ही खो गया हूँ। जाने क्यों इन आँखों में तेरा इंतजार है, क्या मुझे होने लगा अब तुमसे प्यार है। जाने क्यों इन आँखों में तेरा इंतजार है, क्या मुझे होने लगा अब तुमसे प्यार है। की हसरतों में तू ही तू है जान जा। तेरे बिन सूनी है राहे, तेरे बिन खाली है बाहें, बिखरे बिखरे सपनों को मेरे तू सजा दे। जुल्फों में तेरी बस हो मेरा बसर, रहती हो मुझ में तुम शामों से है। खुद से ही खुद अजनबी सा हो गया हूँ,
खुद को ही ढूंढता हूँ, मैं खुद में ही खो गया हूँ, जाने क्यों इन आँखों में तेरा इंतजार है, क्या मुझे होने लगा अब तुमसे प्यार है, जाने क्यों इन आँखों में तेरा इंतजार है, क्या मुझे होने लगा अब तुमसे प्यार है। हेलो निशा, बैठिए। थैंक्स। आई एम सॉरी निशा जी, मैं राहुल के कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेना चाहता हूँ, बस आपकी मदद चाहिए। मैं क्या मदद कर सकती हूँ, मुझे तो खुद ही अपनी खबर नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, अब आप मुझे ही देखिए ना, अब तक मर्डर का कोई क्लू नहीं मिला और डेली कमिश्नर साहब की धौंस सुननी पड़ती है। वैसे आपके नजर में राहुल का कोई दुश्मन? राहुल? राहुल जैसे इंसान का कोई दुश्मन, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। सपना का क्या कहना है? मैंने सपना के पिताजी और उसके मामा को भी टटोला, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे, उन्होंने तो सपना से राहुल को शादी करने की इजाजत भी दे दी थी, उसी शाम उसकी मंगनी भी थी जिस रात राहुल का मर्डर हो गया। निशा जी, आप शायद राहुल को बहुत चाहती थी, आपके उस पे काफी एहसान भी थे, आपके तो काफी एक्सपेक्टेशंस रहे होंगे। क्या मतलब है आपका, मैं उनकी मंगनी से नाखुश थी, आप ये कहना चाहते हैं? अरे नाखुश तो सभी थे, वो तो सपना की जिद के आगे सारे झुक गए, वरना पहले तो सब खिलाफ ही थे। एसीपी साहब प्लीज लीव मी अलोन। देखिए निशा जी, मेरा मतलब ये नहीं था, आप रिलैक्स हो जाइए, मैं इस इन्वेस्टिगेशन का रुख कहीं और मोड़ता हूँ, लेकिन आपको फिर तकलीफ दूंगा, अभी चलता हूँ। थैंक्स। बीबी जी, डैडी आपको बुला रहे हैं मिलने के लिए। मुझे किसी से नहीं मिलना है, जाओ यहाँ से, जाओ। क्योंकि मैडम कह रही है ना जाने के लिए, तो जाओ। एक बेटी किसी से ना मिलना चाहे तो ना मिले, एक बाप तो अपनी बेटी से हमेशा मिलना चाहेगा। देखो बेटा, भगवान ने एक रीत बनाई है, जब किसी की जवान औलाद गुजर जाती है तो उसके माँ बाप भी वक्त के साथ साथ अपने आंसू बहाना भूल जाते हैं। बेटी तुम्हारी तो जिंदगी की अभी शुरुआत है, भूल जाओ राहुल को, भूल जाओ राहुल को। I can't believe, मेरा दिल नहीं मानता है, मेरा राहुल मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। सपना बेटा, राहुल का मर्डर हो चुका है, लोगों ने उसे पहचान लिया है और पुलिस ने शिनाख्त भी की है, अब जो है उसे एक्सेप्ट करना सीखो बेटे, ये दुनिया की रीत है। मामा जी प्लीज। मामा जी सही कह रहे हैं बेटे, बेटा इस कमरे में अकेले बैठना बंद करो, जाओ पार्टी मनाओ, दोस्तों को मिलो, ऐश करो, घूमो फिरो, और ये टीवी पे ये प्रोग्राम देखना बंद करो, डिप्रेसिंग प्रोग्राम है यार, गो एंड एटलीस्ट चेंज दिस, चेंज योर मूड, चेंज इट। डैडी आई डोंट वांट, आई डोंट वांट। सपना बेटे, चेंज योर मूड, संभालो अपने आप को। अरे साले साहब कहाँ हैं? अरे वहाँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। साले आप सिर्फ गेस्ट को अटेंड कीजिए एंड एंजॉय द पार्टी।
अरे कमिश्नर साहब, वेलकम वेलकम, आइए। कैसे हैं मल्होत्रा साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे देरी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ है जमाई बाबू? बस कहीं यही होगा, आता होगा, बैठिए ना। अरे साले साहब, ड्रिंक लेकर आइए ना। आइए आइए, अभी भेजता हूँ। आओ बेटा, आओ। क्या लेंगे कमिश्नर साहब? अरे नहीं मल्होत्रा साहब, रहने दीजिए। देखिए इलेक्शन का समय है, कल होम मिनिस्टर की मीटिंग भी है, काफी काम है मुझ पर। और वैसे भी आपके जमाई बापू पधारे नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे साले साहब, अरे साले साहब जी, सारे मेहमान राहुल के बारे में पूछ रहे हैं, और राहुल है कि उसका कहीं पता ही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल? जीजा जी, आप टेंशन ना लें, एक काम करता हूँ, सपना को पता होगा उसके बारे में, मैं पूछ के बताता हूँ। दो मिनट में आया। थैंक यू। सपना बेटा, राहुल कहाँ है? अभी तक आया नहीं, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, और जीजा जी भी परेशान है, बता करो कहाँ तक पहुँचा? मामा जी, एक्चुअली मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है, मैं वो उसके फोन भी ऑफ है, प्लीज आप देखिए ना। मैं ट्राई करता हूँ, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल, याद है मुझे। चुमकी, हाँ, जरा चौल में जाके पता करना, राहुल अभी तक आया नहीं है, चुपचाप से। हाँ, आप चिंता मत करिए बीबी जी, हम ऐसे पता करेंगे ना कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप जाओ बीबी जी। हाँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना, चलिए कुछ लीजिए, काफी लेट हो गया। चलते हैं। अरे बस दो मिनट रुक जाइए, बस आने ही वाला होगा। भाभी जी, भाभी जी, दो मिनट। बहन जी, दो मिनट। अरे बेटा, दो मिनट। मैंने पहले ही कहा था ना, ये छोटे लोग वक्त आने पे अपनी औकात दिखा देते हैं। आज सोसाइटी में मेरी नाक कटवा दी उसने, कहीं का नहीं रखा मेरे को, मोहब्बत करने चली है राहुल से। आया क्या वो? कहाँ जा रही है? देवी जी, बेबी जी, बेबी जी, कहाँ? बेबी जी चाय। राहुल, 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 चुमकी, हाँ, चुमकी, मैंने वहाँ पे राहुल को देखा, अभी मेरा राहुल वापस आ गया। चुमकी उसे रोको, जाओ चुमकी उसे रोको, उसे बोलो। मैं जी, बेबी जी क्या बोल रही हैं आप? काहे मजाक कर रही हैं? मजाक नहीं बेबी जी, आप ना दिन रात राहुल जी राहुल जी राहुल जी करती रहती है। आपको पता है, वैसे भी हमारे गांव में कहते हैं ना कि जब कोई किसी को बहुत दिलो जान से चाहता है तो वो ना होते हुए भी उसके पास ही होता है। नहीं, मैंने वहाँ ऐसा कुछ नहीं है बीबी जी, ये सिर्फ आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ढोरकर, हो साहिब, मुझे लगता है कि राहुल जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है साहिब, उसका तो पोस्टमार्टम हुआ ना। एक बात पूछूं साहिब, आप ये भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं ना? बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास है, भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं, ये सब तुम जैसे डरपोक लोगों की फैलाई हुई बातें हैं। हेलो, हुज दिस? क्या हो रहा है एसीपी साहब? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्यों, क्या शराब नहीं पी रहे हो? पाई जाला साहिब। ढिढोरकर, हमें कोई देख रहा है। कैसी बात करते साहिब,
पूरा घर बंद, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, तो पर्दा लगा हुआ, हमको कौन देख सकता साहिब? हाँ साहिब, कहीं वो राहुल की आत्मा का फोन तो नहीं है साहिब? शट अप डिटोर कर, हमेशा फालतू बकवास करते रहते हो। अबे साले तू कौन है? सामने क्यों नहीं आता? तुम्हारा नाम क्या है? जब तक तुम मेरे कातिल का पता नहीं करते तब तक मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकता हूँ? अबे कमीने, दम है तो सामने आ। हेलो हेलो, हेलो टेलीफोन एक्सचेंज। यस प्लीज। एसीपी अजय बोल रहा हूँ। जी बोलिए। अभी इस नंबर पे जो कॉल आया था, आप बता सकती हैं कहाँ से आया था? वन मिनट सर। सर वो फोन शैतान चौकी के टेलीफोन बूथ एक्सचेंज से आया था। ओके थैंक यू। थैंक यू। लगता है इस साले का काम तमाम करना पड़ेगा। अरे बाबा, आज तो भूत का सामना करना ही पड़ेगा। हे देवा, ये साहब के साथ जाऊं कि नहीं जाऊं मैं? आप किधर भी जा सकता। और से देखो दरीजे का ये उड़ता चिलमन, बनके मेहमान आया मेरी यादों का सावन। मैं तेरी जुल्फ को छेड़ूंगा हवाएं बनकर, मेरी ख्वाहिश है तू ख्वाबों में बन जा दुल्हन। उल्फत मेरी, चाहत मेरी, इबादत मेरी, सब तुमसे है। दीवानगी ये आशिकी ये जिंदगी सब तुमसे है। राहुल, 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 राहुल कहाँ हो? राहुल, 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 राहुल आ तू? हाँ सपना, मैं तुम्हारा राह। मुझे पता था कि मेरे राहुल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे पता था इसी आस में जी रही थी मैं। मुझे पता था तुम नहीं जाओगे मुझे छोड़ के। थैंक यू फॉर कमिंग।
क्या सपना? तुम कैसे हो सकते हो राहुल? मैं समझी नहीं। वो एक दिन मैं म्यूजिक कंपनी के फंक्शन पे गया हुआ था, रत्नागिरी, वहां से आते हुए मिडनाइट में बस स्टॉप पर खड़ा था। टाइम क्या है भाई साहब? 12:10। इस टाइम बस मिलेगी क्या? हाँ मिलनी तो चाहिए। अरे वाह, आप तो एकदम मेरे जैसे दिखते हो। क्या नाम है आपका? पारस। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? रायबरेली के। रायबरेली, और यहाँ कैसे आना हुआ? वो मुझे कुछ काम था। तो हाँ, फिर उसके बाद घर चला जाऊंगा। सपना, इसको तुम कुदरत का करिश्मा ही समझो कि उस दिन मुझे मेरा हमशक्ल पारस मिल गया। मैंने उसे एक और दिन मुंबई में रहने को कहा। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, और मैंने उस दिन मंगनी वाली रात मैंने उसे अपने घर पे बुला लिया, और वही सेम ड्रेस उसे मैंने दी जो मैंने पहन रखी थी। पारस जी, ये देखो, मैंने दोनों ड्रेसेस सेम सिलवाई हैं। एक मैंने खुद पहनी है, तुम ये पहन के आ जाओ, मैं एटीएम से होकर आता हूँ। ओके। जब मैं एटीएम मशीन पर पहुंचा तो वहां देखा कि माँ की एटीएम मशीन काम नहीं कर रही थी, तो मैं दूसरे मोहल्ले के एटीएम पर गया। अजीब शहर है, लोग यहाँ पे रात को आधी रात को सो जाते हैं सलमान खान की गाड़ी के नीचे आने के लिए, और गलती से मर जाएं तो बेचारे सलमान खान जैसे आदमी दोषी हो जाते हैं। वहां से वहां पे जब मैं घर आया तो देखा कि दरवाजा खोला हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ था। तो जब मैं बाहर पारस पारस करता बाहर आया तो देखा कि रास्ते में उसकी लाश पड़ी हुई थी, वो खून से लथपथ था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आ गई सपना, कि कोई पारस को मारने नहीं मुझको मारने आया था। सपना, उस रात में कातिल की आवाज़ देख के बहुत डर गया था। मेरी जान जो कि तुम्हारी अमानत है, उसकी हिफाजत के लिए मैंने अपना वजूद ही मिटा दिया था। मैं पहले भी तुमसे अकेले में मिलना चाह पर मिल नहीं पाया। I'm so sorry, मैं क्या करती? सपना, इस राज की बात को राज ही रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। ये देखो कोई है। सपना सपना, मैं यहाँ से निकलता हूँ, तुम सुबह 10 बजे वहीं पहुँच जाना जहाँ हम पहले मिलते थे। बी केयरफुल बीबी जी। बीबी जी, मैंने अभी अभी राहुल जी को इधर देखा है। किधर देखा है? इधर ही। अच्छा, वो क्या है ना झुमकी, तुमने ही मुझे बताया था ना कि कई बार आप जब किसी एक ही इंसान के बारे में बार बार सोचते हो तो वो आपको हर जगह नजर आता है। शायद तुम राहुल के बारे में ज्यादा सोच रही हो। टेंशन नहीं लो, जाओ जाके सो जाओ। नहीं बीबी जी, लेकिन मैंने देखा है। झुमकी, मैंने कहा ना सो जाओ। जाओ, गुड नाइट, तुम्हें वहम हुआ है। ओके, जाओ जाओ सो जाओ। ठीक है, जाओ। साहब नाश्ता। वो सपना तो नहीं आ रही होगी नाश्ते के लिए? नहीं साहब, बीबी जी आ रही हैं। आ रही है? हाँ। उसने कहा तुमसे कि वो आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, उनके लिए भी नाश्ता ले आओ। और वो मामा जी कहाँ है? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आओ आओ साले साहब, थिंक ऑफ अ डेविल एंड मामा इज हियर। अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आज का दिन पूरा सपना के साथ ही बिताऊं। तो फिर इतने बड़े बिजनेस का क्या होगा, कौन संभालेगा इससे? साले साहब, सोचा तो यही था कि एक अच्छा सा दामाद मिल जाएगा, बेटे की तरह होगा, मेरा सारा बिजनेस संभालेगा। लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। अब ये समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। जीजा जी, इसी को लाइफ कहते हैं,
इंसान कुछ सोचता है होता कुछ और है। अब परेशान ना होइए। मैं किसके लिए हूं? मैं सारा बिजनेस संभाल लूंगा। अब देखिए ना, थोड़े दिन के बाद सपना बेटी इस हादसे से उबर जाएगी। कोई अच्छा लड़का देख किसी अच्छे घर में उसकी शादी कर देंगे और फिर आप टूर कर लेना, सारी प्रॉब्लम हल, देन ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मामा जी, यू आर सो स्वीट। आप डैडी का कितना ध्यान रखते हैं। बट यू डोंट वरी, आई एम देयर ना। मैं बिजनेस में पापा का हाथ बटाऊंगी। क्यों? गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। जुमकी, हाय बेबी जी। कहाँ रह जाती है? ओहो, आज कपड़े देखो क्या कमाल पहने। आज कमाल का नाश्ता भी करा दो। जी बेबी जी, वो अभी आलू का पराठा। एग्जैक्टली वही बनाया साहब। एक मेरे लिए भी। जी हेलो एसीपी अजय। हाय, आप कहीं जा रहे हैं? जी वो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पर अंदर डैडी और मामा जी हैं, आप उनसे मिल लीजिए। अरे मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे एसीपी साहब, आइए आइए, नाश्ता करेंगे। थैंक यू मल्होत्रा साहब। केस में कुछ प्रोग्रेस हुई? मल्होत्रा साहब, ये पहला एक ऐसा केस है जिसका अब तक कोई क्लू नहीं मिला। कातिल बहुत होशियार है, लेकिन आप लोगों के मूड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे केस सॉल्व हो गया। क्या मतलब एसीपी साहब? एक मिनट, वो क्या है एसीपी साहब? सपना काफी दिनों के बाद आज थोड़ी सी खुश नजर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने गमों को भूल रही है। और एक बाप के लिए से बढ़कर क्या हो सकता है कि उसकी औलाद खुश हो। आपने देखा बाहर जब वो जा रही थी खुशी खुशी? हाँ, मैं भी बहुत कुछ देख रहा हूँ। खैर मल्होत्रा साहब, मैं फिर मिलूंगा। से लबों की मुलाकात है, मोहब्बत निभाने की ये रात है। लबों से लबों की मुलाकात है, मोहब्बत निभाने की ये रात है। ना दूरी रहे सनम, कसम है तुम्हें कसम कि ये रूह तक उतर जाने की बात है। दिल में लगी एक आग है, झूमे जिया सनम, चूमे तुझो बदन, लग जाए तेरी लगन, जलती है क्यों अगन, बुझने बुझाने की ये घड़ी आज है।
महकी महकी है ये हवा, छाने लगा नशा, गाए ना दिल पे गजब तेरी ये मदहोशियां, मैं बेखबर हो गया, न बिजली न बादल न बरसात है, लबों से लबों की मुलाकात है, मोहब्बत निभाने की ये रात है, ओ, 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 लबों से लबों की मुलाकात है, मोहब्बत निभाने की ये रात है, न दूरी रहे सनम कसम है तुम्हें कसम, कि ये रूह तक उतर जाने की बात है। नाइस वेदर, बट तुमसे ज्यादा नहीं। अरे देखो मिस्टर, भागने की कोशिश मत करना। एसीपी साहब, ये क्यों भागेगा सर? ये राहुल है। मालूम है, इसने कुत्ते की तरह दौड़ाया हमें। ये राहुल है या कोई और? हम पता कर लेंगे। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। चलो। अरे बात तो सुनिए आप। मेरी बात तो सुनो। तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो मेरी बात तो सुनिए। हमें यहाँ कुछ भी नहीं सुनना, सब पुलिस स्टेशन में बोलो। हमें क्यों जा रहे हैं? चलो। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये भूत है साहिब। पागल मत बनो, ये राहुल है। नहीं साहिब, ये मर गया साहिब, इसको जाने दो साहिब। कूप तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये राहुल है। अरे नहीं साहिब, ये रात को गायब हो जाएगा, मेरी बात मानो साहिब, इसको जाने दो साहब, जाने दो। शट अप इडियट। मेरे को एक बार इसको छू के देखने दे रे बाबा, देखता हूँ। अभी तो जिंदा है, देख रे बाबा, तू रात को गायब मत हो जाना रे बाबा, तेरे से मेरे को बहुत डर लगता है। ए, ए, पकड़ रहे, अच्छे से पकड़ इसको। चलो, इसको लेके चल रहे, जिंदा के मुर्दा समझ में नहीं आता। ए देवा, हाँ अब बताओ उस रात क्या हुआ था। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपसे कई बार कहा कि मेरा हमशक्ल पारस था, हमारा प्लान था कि मेरी सगाई पे हम एक साथ जाएंगे, लेकिन उसी रात उसका मर्डर हो गया। किसने किया मर्डर? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि किसने मर्डर किया? तुम भी तो कर सकते हो। क्या? लेकिन मैं निर्दोष हूँ। अगर तुम निर्दोष हो तो भागे क्यों? तुम कानून के पास आ सकते थे, कानून तुम्हारी मदद करता। डोर कर, इसको अंदर डालो। रुक जाइए। हेलो एसीपी अजय। हाय। किस बिना पे आपने राहुल को गिरफ्तार किया है? मुजरिम है ये। मुजरिम है? यस। लॉ और कानून के बारे में आप मुझे ना सिखाएं तो बेहतर होगा, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ। मैं कमिश्नर अंकल से बात करती हूँ। हेलो। हेलो
अंकल मैं सपना बोल रही हूँ मडा आइलैंड पुलिस स्टेशन से। सपना बेटा तुम वहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रही हो? अंकल एसीपी अजय ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और उसे लॉकअप में डालने जा रहे हैं। What? राहुल? Are you sure? What are you saying? Yes, uncle. ACP अजय हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। राहुल ने अपनी सफाई देने के लिए काफी कुछ कहा। प्लीज उनसे बोलिए कि वो राहुल को छोड़ दें। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। बेटा, he is doing his duty. पर अंकल आप खुद सोचिए, अगर वो लॉकअप में बंद रहेगा तो फिर अपनी बेगुनाही को साबित कैसे करेगा? अंकल प्लीज मेरे लिए राहुल को फर्स्ट एंड लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज अंकल। ओके ठीक है, अजय को दे दो। थैंक यू अंकल, बात कीजिए। सर हाँ अजय, राहुल को छोड़ दो। सर केस सॉल्व होने वाला है और आप कह रहे हैं कि राहुल को छोड़ दो? देखो अजय, कुछ डिसीजंस दिमाग से नहीं दिल से भी लेने चाहिए। हो सकता है ये डिसीजन हमारी जिंदगी का सबसे अहम डिसीजन हो, छोड़ दो उसे। ओके सर। डिडोरकर जी साहब, छोड़ दो इसे। थैंक यू। सुना नहीं आपने क्या कहा उन्होंने? शिंदे छोड़ दिया। चलो सपना ध्यान रहे, मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। डोंट वरी राहुल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। चलो ऐसा करता हूँ, मैं मिस्टर आहूजा के यहाँ जाता हूँ और वहीं जाके प्लान करता हूँ कि आगे क्या करना है। तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। राहुल तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, ऐसे में अकेले जाना आई डोंट थिंक इट्स गुड। रास्ते में पड़ता है मिस्टर आहूजा का घर, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देती हूँ। आई विल बी ऑलराइट। राहुल प्लीज सिट। ओके लेट्स गो। रबदा लख लख शुक्र है, लख लख शुक्र है रबदा। बैठो बेटा बैठो, बड़ी खुशी हुई तुम्हें दोबारा देखकर। देखो 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 मेरी बेटी को, देखो कितनी खुश है। कल तक तो इसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आज कितना खिला हुआ देखो। सर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मुझको पारस के कातिल तक पहुंचना ही होगा, नहीं तो ये एसीपी तो मुझको ही कातिल समझता है सर। अरे डोंट वरी, तुम तो मेरा खोया हुआ 100 करोड़ रुपए का चेक हो जो मुझे दोबारा मिल गया है। अरे डोंट वरी अबाउट एसीपी वीसीपी, इसे अपना ही घर समझो। बेटा इसको इसका कमरा तो दिखाओ। डोंट वरी, चीयर अप। गुड बाय। चलो कमरा दिखाती हूँ। Thank you.
निशा उठ गई होगी। निशा, 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 ऐसी क्यों सो रही है? निशा, 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 खून, खून, निशा दीदी का खून, ये क्या किया आपने राहुल बाबू? मालिक, मालिक, निशा दीदी का खून हो गया मालिक, राहुल बाबू ने निशा दीदी का खून कर दिया। निशा, निशा मेरी बच्ची, ए निशा, निशा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया निशा मेरी बच्ची? तूने क्या? मेरी बच्ची को तूने मारा, इसने बेपनाह मोहब्बत की तुमसे और तूने मेरी बच्ची की जान ले ली। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं सर, ये खून मैंने नहीं किया सर। तूने मुझे ये दिया? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने खून नहीं किया। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं सर, मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ। हेलो, हेलो, एसीपी साहब, बर्बाद हो गया। अभी अभी हाथ आए सनसनीखेज खबरों के अनुसार राहुल नाम का व्यक्ति जो अब तक मृत घोषित था और जिसकी तफ्तीश जारी थी वो अचानक जिंदा पकड़ा गया। मरने वाला व्यक्ति राहुल नहीं बल्कि पारस नाम का रायबरेली का रहने वाला एक व्यक्ति था। पुलिस अभी सुलझन में है कि पारस का खून किसने किया। अचानक इस केस में एक नया मोड़ आया है कि आनंद ऑडियो कैसेट कंपनी के मालिक श्री आनंद आहूजा की बेटी निशा का कातिल कौन है। पुलिस को शक है कि पारस और निशा का खून राहुल ने ही किया है जो फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से खोज कर रही है। पहले से ही मुझे इस लड़के पे शक था, चेहरा भोला था पर दिल के अंदर दरिंदगी थी, दरिंदगी। I hate such people. मामा जी क्या बात कर रहे हैं आप ये? I still can't believe it. Start believing it now, सपना, start believing it. कई बार जो हम देखते हैं हमारी नजर का धोखा होता है, हो सकता है राहुल को देखने में भी हमें धोखा हुआ हो। डैडी, आप भी राहुल पे शक कर रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कि वो रोज किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस रहा है। किस वजह से? किसी की साजिश है जिसका वो शिकार हो रहा है। आप लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए, इनफैक्ट हम सबको, ना कि उस पे इस तरह शक करना चाहिए। तुम आसरा छूटा मुझसे मेरा हर सहारा, टूटा टूटा हर एक आसरा, छूटा मुझसे मेरा हर सहारा। मैंने मुश्किल में फिर भी ए मौला सिर्फ तुझको, तुझी को पुकारा। ना तोड़ तू मेरी उम्मीद, दे दे फिर से तू अपना सहारा। ऐ खुदा मेरी बिगड़ बना दे, ऐ खुदा
ऐ खुदा ऐ खुदा मेरी बिगड़ बना दे ऐ खुदा पल में क्यों सब मुझसे यूं रूठ गए हैं इस आलम में दर्द और गम में सारे अपने छूट गए हैं क्यों टूटा बन के क्यों बिगड़ा क्यों रूठा मिल के क्यों बिछड़ा हर पल मेरी उम्मीदों का तूने बदले खुदा ऐ खुदा मेरी बिगड़ बना दे ऐ खुदा ऐ खुदा मेरी बिगड़ बना दे ऐ खुदा का था मेरा आशियां तार भरा था आसमां खुशियों का था मेरा आशियां तार भरा था आसमां मैंने बसाया था पलकों पे अपनी खुशी का ये जहां धुंध लगाई क्यों तमन्ना मेरी बदला जहां कोई सब छूट गया कैसे मेरी दुआओं का तूने बदले आम किया ऐ खुदा मेरी बिगड़ बना दे 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 ऐ खुदा सूरज 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 अबे अबे राहुल चल ठीक है वो सब ठीक है अभी पुलिस मेरे पीछे तू भाग ऐसे चल 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 भाग भाग यस अजय सर मुझे लगता है हमने राहुल को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है एक और मर्डर और अब तो निशा के डैडी भी विटनेस बनने को तैयार है आई थिंक यू आर राइट लेकिन मेरे तुम्हें सख्त इंस्ट्रक्शन है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करो यस सर और हां किसी भी हालत में उस पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल ना करो क्यों सर ये केस सर आपने ही मुझे सौंपा है और आप तो मेरा तरीका जानते हैं सर उसके बावजूद भी डू एज आई टेल यू दीज आर माई ऑर्डर्स आई एम सॉरी सर कातिल के लिए सॉफ्टकर न होने की कोई खास वजह सर देखो जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी दोनों मर्डर्स में इस्तेमाल हुई है उससे मुझे लगता है कि राहुल बेगुनाह है पर किसने खून किया है क्यों किया है इसी की तो हमें तलाश करनी आई एम सरप्राइज सर निशा के मर्डर के वक्त राहुल वहां मौजूद था उसका नौकर विटनेस है फिंगरप्रिंट भी मैच हो चुके हैं उसके बाद भी सर देखो निशा और पारस के मर्डर से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला और फिर मर्डर किसने किया यही तो हमें ढूंढना है सर नाउ गो फास्ट ओके सर सारे टीवी चैनल्स पे सब कुछ आ रहा है नाकाबंदी शुरू हो गई हमारे पास बहुत कम वक्त है गेट गोइंग फास्ट मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है यार लेकिन एक बात समझ में नहीं आया राहुल उसने निशा को क्यों मारा शायद वो उसे पहचान गई होगी हाँ यार चल टेंशन मत ले यार
हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है और इससे भी निपटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। एक आइडिया है यार। क्या? तू चल 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 चल। हेलो, क्या मैं एसीपी अजय से बात कर सकता हूँ? यस, एसीपी अजय ही बोल रहा हूँ। सर, एक इन्फॉर्मेशन है। तुम कौन बोल रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एसीपी साहब कि मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वो शायद आपके काम की है। जिस शख्स को आपकी पुलिस डिपार्टमेंट पागलों की तरह ढूंढ रही है उसे कोहिनूर में पकड़ा जा सकता है। और हाँ, सपना के डांस प्रोग्राम में राहुल आने वाला है। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। हेलो हेलो राहुल, राहुल तुम कहाँ हो? कैसे हो? सब ठीक तो है ना? सपना, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। सूरज मेरे साथ है, यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। तुमको भी एक काम करना है, तुम्हें कोहिनूर पे जाके डांस परफॉर्मेंस देनी है। एसीपी मुझे ढूंढने वहीं पहुँचेगा, उसे उलझाए बिना मेरा कमिश्नर से मिलना बहुत मुश्किल है। ओनली ही कैन हेल्प मी। डांस? क्यों? इतने सवाल तुम मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम अपने कॉलेज में भी तो डांस करती थी ना, तो मेरे इतना नहीं कर सकती प्लीज? राहुल, कॉलेज और अब ओके।
कि आपने मेरे कातिल का पता किया। और हाँ, किसी भी हालत में उस पर थर्ड डिग्री इस्तेमाल ना करो। राहुल को छोड़ दो। डिडोरकर, तुम्हारी बेटी की शादी है ना? हो सही। ये लो। तुम? हाँ मैं। अब तुम तो याद करते नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चली आती हूँ। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन मुझे याद था, इसलिए मैं अपने साथ तुम्हारे लिए केक भी लेकर आई हूँ। इसी बहाने साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। ओहो अजय, आज तुम्हारा बर्थडे है, कम से कम आज तो मुस्कुरा दो। थैंक्स प्रिया। यू आर वेलकम। लेकिन तुम यहाँ अचानक कैसे? मेरा ट्रांसफर इसी शहर में हुआ है। लास्ट वीक ही मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, बट मैंने सोचा पहले तुम्हें सरप्राइज दे दूं, तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद ज्वाइन करूं। अजय, मैंने शादी नहीं की। क्यों? तुम नहीं जानते क्यों? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे आज भी तुम्हारे हाँ का इंतजार है। लेकिन प्रिया। हाँ हाँ, जानती हूँ कि तुम उससे प्यार नहीं करते, इसलिए शादी नहीं कर सकते, बट अब मैं इस दिले नादान को कैसे समझाऊं? अब तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी करने से तो बेहतर है मैं तुम्हारा ही इंतजार करूं। बाय द वे, क्या प्लान है तुम्हारा? अब जब तक मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती, मैं तो यहीं रहूंगी। वैसे तुम भी तो अकेले ही रहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ, तुम आराम करो। इन केस यू नीड एनीथिंग टेल मी। गुड नाइट। ये क्या कर रही हो प्रिया? ये गलत है। इसमें गलत क्या है जय? God damn it, I love you। तुम उससे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, कल भी करती थी, आज भी करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तुम्हारे साथ बिताया हुआ मेरे एक हसीन पल मेरी जिंदगी के लिए काफी होता। तुम क्या जानो अजय, प्यार किसे कहते हैं? हेलो, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे यार, गाना तो लिखा है मैंने तेरे लिए, देख तेरी वॉइस पे एकदम सूट होगा। अच्छा, और सुन भाई, तेरे लिए लिखा है मैंने। अच्छा, अब ये ऑटो पकड़े क्या? अच्छा तू एक काम कर, तू 2 मिनट यहीं पे रुक, मैं जरा मोबाइल रिचार्ज करा के आता हूँ। प्रोड्यूसर को फोन करना यार, ठीक है? चल ध्यान रखियो। आजा आजा। अरे भाई कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो। राहुल, राहुल, अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई मेरे राहुल को? क्या हुआ? अरे वो चोर मेरी गाड़ी लेकर चला गया। आपकी गाड़ी थी? क्या हुआ? हाँ।
वो चोर आया और उसने मुझे धक्का मारा और मेरी गाड़ी लेकर चला गया। वो एक सेकंड प्लीज संभालिए, मेरी गाड़ी जा रही है। कंट्रोल रूम नवी मुंबई। हेलो, मैं खारघर सेक्टर 12 से सूरज बोल रहा हूँ सर। आप बोलो सर। अभी किसी ने मेरे फ्रेंड को किडनैप कर लिया है। ठीक है, तुम वही रुको, मैं एक टीम भेजता हूँ। हाँ सर, आप जल्दी किसी को भेजिए सर, मेरे दोस्त की जान खतरे में है सर, प्लीज। पेट्रोलिंग टीम खारघर। खारघर सेक्टर 12 से एक नौजवान किडनैप हो गया है। आई विटनेस सेक्टर 12 के जैन मंदिर के पास है, तुम जल्दी वहां पहुंचो। हाँ, रुको रुको रुको, चलो। यहाँ से फोन किसने किया? मेरा नाम सूरज है, मैंने ही आपको कॉल किया था। मैं तामिले शॉप पे मोबाइल रिचार्ज कराने गया कि अचानक एक जाइलो आई सिल्वर कलर की और मेरे फ्रेंड को गन पॉइंट पर जबरदस्ती उठाकर ले गई। सर प्लीज आपको जल्दी कीजिए सर। बता सकते हो किडनैपर कैसा था? जी नहीं सर, लेकिन उसने अपना मास्क लगा रखा था, कुछ सादा सादा सा कपड़ा था। गाड़ी नंबर? गाड़ी नंबर MH01AR46। मोबाइल नंबर? 9821333111। ठीक है, वैसे मोबाइल ऑन है ना? हाँ जी ऑन है, बट मेरा मोबाइल साइलेंट पर है और मोबाइल मैंने गाड़ी में छोड़ दिया है। यस मिस्टर जॉन, कुछ पता चला? जिस गाड़ी से किडनैप हुआ उस गाड़ी का नंबर है MH01AR46। गाड़ी सिल्वर जाइलो है। खास बात यह है कि उस गाड़ी में साइलेंट मोड पर एक मोबाइल है। ओवर एंड आउट। ओके मिस्टर सूरज, हमारे साथ आइए। इन सब पर आप नजर रखिए, हर एक मिनट की डिटेल चाहिए। जी। खारघर के पेट्रोलिंग टीम के इंस्पेक्टर जॉन को गाड़ी के नंबर का पता चल गया है। किडनैपर सिल्वर कलर की जाइलो गाड़ी MH01AR46 में भागा है। That's good. Yes. यानी खारघर के सेक्टर 12 से ये गाड़ी निकली है, यानी ये गाड़ी पनवेल जा सकती है, या फिर ये बेलापुर के रास्ते से थाने जा सकती yes. है, या फिर ये कलमबोली के रास्ते से तलोजा भी निकल सकती है। इंस्पेक्टर रमेश, मैं एक काम करती हूँ, तलोजा, खारघर, थाने, इन सभी के पेट्रोलिंग टीम्स को अलर्ट कर देती हूँ और साथ में मुंबई पुलिस स्टेशन को भी अलर्ट कर देती हूँ। किसी भी हालत में ये गाड़ी मुंबई नवी मुंबई के सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं जानी चाहिए। हेलो 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 हेलो, पुणे एक्सप्रेस हाईवे टीम अलर्ट, चेक नाका टोल नाका अलर्ट। सिल्वर कलर की जाइलो है, नंबर है MS01AR46। आई रिपीट MS01AR46। ओवर एंड आउट। हेलो इंस्पेक्टर जॉन फर्नांडिस। यस मैम। आप अपनी टीम को मुंबई पुणे हाईवे की तरफ भेजे, अगली सूचना मैं आपको देती हूँ। फास्ट, जल्दी जल्दी भगाओ। ओके थैंक यू। ऑल पेट्रोलिंग टीम नवी मुंबई, ध्यान से सुनिए। एक सिल्वर कलर की जाइलो है जिसका नंबर है MS01AR46। आई रिपीट सिल्वर जाइलो MS01AR46। एक आदमी को किडनैप करके भाग रहा है। आप सभी लोग अपने अपनी टीम के साथ पनवेल हाईवे की तरफ बढ़े। ओवर एंड आउट। तेज चलो तेज चलो। हेलो इंस्पेक्टर गावड़े, आप अपनी टीम के साथ पनवेल हाईवे की तरफ बढ़ें। किडनैपर पनवेल जा सकता है, उसे फॉलो कीजिए। ओवर एंड आउट। ओके मैम। इंस्पेक्टर रमेश। यस मैम। आपने क्या कहा था कि उस गाड़ी में एक मोबाइल है जो साइलेंट मोड पर है? यस yes. इसका मतलब ये हुआ कि हम उस मोबाइल के सिग्नल के जरिए उस गाड़ी का लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। इंस्पेक्टर रमेश। यस मैम। आप उस नंबर के सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कीजिए और उन्हें कहिए कि वो जल्द से जल्द उस मोबाइल को ट्रैकिंग पर डालें। मैं अपना URL सेंड करती हूँ, मुझे हर लोकेशन की मूवमेंट चाहिए। राइट मैम। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये जाइलो अभी तक किसी पेट्रोलिंग टीम को दिखी क्यों नहीं? But I think हमारी पेट्रोलिंग टीम भी हार रही है। ये देखिए मैम, यहाँ पर कई छोटे छोटे रास्ते हैं। हो सकता है वो लोग इन्हीं किसी अंदरूनी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। पनवेल पेट्रोलिंग टीम, पनवेल हाईवे जाने वाले हर रास्ते को सील कर दिया जाए। ओवर एंड आउट। ओके मैम, हम पनवेल रोड को ब्लॉक कर देते हैं। फटाफट रास्ता ब्लॉक करो। हेलो कंट्रोल रूम, पनवेल पेट्रोलिंग टीम नाके पे पहुंच चुकी है। कलमबोली से आने वाले हर रास्ते को हमने ब्लॉक कर दिया है। ओवर एंड आउट। ओके आप मिशन की ओर बढ़े। ओवर एंड आउट। ओके मैम।
इंस्पेक्टर गावड़े, आप अपनी टीम को ले जाकर तलोजा पनवेल रोड को ब्लॉक कर दीजिए। ओवर एंड आउट। हेलो कंट्रोल रूम, हम तलोजा पेट्रोलिंग टीम स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और पनवेल को जाने वाले सारे रास्तों को सील कर चुके हैं। ओवर एंड आउट। तलोजा पेट्रोलिंग टीम एंड पनवेल पेट्रोलिंग टीम अलर्ट पर हो, किसी भी हालत में हमें वो ज़ाइलो मिलनी ही चाहिए। ओवर एंड आउट। मैम, उसके मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन मिल गया। गुड। यस। यस। पनवेल पेट्रोलिंग टीम का कोई मैसेज है? नॉट येट। लगता है किडनैपर ने किसी ऐसे मोड़ पर टर्न ले लिया है जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है। एक काम कीजिए, सारे पेट्रोलिंग टीम को रोक दीजिए, जो जहां है वहीं रहे हमारी अगली इंफॉर्मेशन मिलने तक। ओके। हेलो। यस सर। ऑल पेट्रोलिंग टीम, मोबाइल नेटवर्क न मिलने के कारण सिग्नल मिलना बंद हो गया है। अगली इन्फॉर्मेशन मिलने तक आप लोग जहाँ कहीं भी हैं वहीं रुके रहें। ओवर एंड आउट। ओके सर। अरे ये तो कलम बोली पार कर चुका है। सिग्नल मिल गया। एज पर सिग्नल किडनैपर तलोजा रोड पर है। इंस्पेक्टर गावड़े, आप किडनैपर से सिर्फ 5 किलोमीटर पीछे हैं। सो गो फास्ट। ओवर एंड आउट। ओके सर, चलो फास्ट फास्ट। खार घाट पेट्रोलिंग टीम, आप ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, किडनैपर के काफी करीब है। ओवर एंड आउट। ओके सर। हेलो, आपका कंबोली सर्किल क्रॉस करके तलोजा की तरफ मूवमेंट है। पेट्रोलिंग टीम, आप किडनैपर से 3 किलोमीटर के फासले पर हैं। कवर करो। ओवर एंड आउट। कोई भी हो, चारों तरफ पुलिस से घिर चुके हो, जल्दी से गाड़ी से बाहर आ जाओ। कॉलेज का आई कार्ड, सिंगारिया। हेलो, इंस्पेक्टर गावड़े बोल रहा हूँ। हाँ गावड़े बोलो। सर गाड़ी तो मिल गई, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं है सर। हाँ, लेकिन एक आई कार्ड मिला है। आई कार्ड किसके नाम पर है? सर इसका नाम और चेहरा तो क्लियर नहीं है, लेकिन उसका सरनेम सिंघानिया है। एक काम करो। जी सर। वही आसपास सर्च करो, वही कहीं होंगे वो। ओके सर। कमिश्नर साहब ने क्या कहा? सर ने कहा कि यही कहीं होगा, लेट्स सर्च। ओके, मूव ऑन, कम फास्ट। चलो, 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 चलो। तुम्हारा कोई दोस्त है ना सिंघानिया नाम का? जी हाँ। हेलो अंकल। ये सिंघानिया स्पीकिंग। मैं प्रतोष बोल रहा हूँ। बोलो प्रतोष, क्या बात है? अभी अभी डैड के मोबाइल पे कोई फोन आया था जिसमें कोई सिंघानिया के बारे में बात कर रहा था। उसे कोई आई कार्ड मिला है गाड़ी के अंदर। रुक जाओ। एसीपी अजय, आप? हाँ मैं। नाउ योर गेम इज फिनिश्ड राहुल, चंद सांसे और। सर, सर आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। मुझे मालूम है राहुल। तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारी गलती सिर्फ ये है कि तुम सपना से प्यार करते हो। तुम सपना को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या? हाँ।
सबसे बेगाना मेरी धड़कनों पे नाम तेरा लिखा है तू मेरा प्यार मेरा खुदा है तू मेरा प्यार मेरा खुदा है तुम मेरी हो बस मेरी हो किसी और की नहीं हो तेरी जुल्फों को सवारूं तुझे बाहों में भर लूं हसरत है हद से ज्यादा तुझे प्यार मैं कर लूं मेरे दिल का तेरे दिल से ये रिश्ता है तू मेरा प्यार मेरा खुदा है तू मेरा बस मेरी हो किसी और की नहीं हो जैसा कि आप लोग जानते हैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज में से एक है टेक्नोलॉजी हाँ। हमारे मुल्क में बढ़ रही है एक्सक्यूज मी सर सर आप अंदर नहीं जा सकते अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है सर ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है कि सर
डैड मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। आई एम सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स प्लीज। बोलो, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी है जो घर पे नहीं की जा सकती? डैड मैं शादी करना चाहता हूं। मैं खुद चाहता हूं कि तुम्हारी शादी हो जाए ताकि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास हो। बाय द वे, मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूं ओबराय ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक विकी ओबराय की इकलौती बेटी ऐश्वर्या के साथ। लेकिन डैड मैं सपना को बहुत प्यार करता हूं, सपना बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे बहुत चाहता हूं। सपना, वही सपना ना जिसकी वजह से तुम एक बार जेल जा चुके हो। लेकिन डैड इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम होश में तो हो, इतने बड़े बाप के बेटे होकर एक मामूली एक घटिया लड़की से शादी करना चाहते हो क्या? तुम भूल गए कि तुम धनंजय सिंघानिया के बेटे हो, सिंघानिया ग्रुप के इकलौते मालिक, और तुम चाहते हो कि एक मामूली सी लड़की से मैं तुम्हारी शादी कर दूं? नहीं, यह हरगिज नहीं होगा। एक्सक्यूज मी डैड, सपना को घटिया और मामूली बोलकर आप मेरे इंसल्ट कर रहे हैं। तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है जय, कि तुम्हें लोग धनंजय सिंघानिया के बेटे के नाम से जानते हैं। तुम्हारा एक गलत फैसला कल के अखबार की हेडलाइन बन सकता है, हमारे कंपनी के स्टॉक्स पर असर कर सकता है। कल तक मेरे दोस्त कहा करते थे, लेकिन आज आपके बातों से यकीन हो गया कि मेरा अपना कोई वजूद नहीं। मैं सिंघानिया नाम का सिर्फ एक पुतला हूं। लेकिन डैड आप ये भूल रहे हैं कि आपने भी प्यार किया था और अपनी मर्जी से मेरी माँ से शादी की थी, वो भी एक विधवा थी। तो क्या एक विधवा को दोबारा घर बसाने का अधिकार नहीं है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी माँ के बारे में इस तरह की बातें करते हो। ये अलग बात थी कि वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून नरेश मित्तल की बेटी थी। हम दोनों में यही फर्क है डैड, आपने माँ से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो पैसे वाली थी, और मैं सपना से शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। डैड मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। तो आप भी सुन लीजिए डैड, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सपना से, और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती, आप भी नहीं। अजय ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप? बाप तो वो होता है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ लुटा देता है, और आप मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते हो डैड। अजय तुम हद से गुजर रहे हो, धनंजय सिंघानिया के एक इशारे पर सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। मैं जिसे चाहे बर्बाद कर दूं, जिसे चाहे आबाद कर दूं, बहुत ताकत है सिंघानिया नाम में। तो आज से मैं अपनी जिंदगी से सिंघानिया का नाम ही मिटा देता हूं। जर्रा जर्रा इस बात का गवाह है, ठोकर मारता हूं ठोकर इस नाम को, इस शोहरत को और इस दौलत को, और जा रहा हूं डैड, जा रहा हूं। और हां, आपको मेरी कसम है, आप मुझसे मिलने की कोशिश मत करना वरना मेरा मरा मुंह देखेंगे। इसका मतलब पारस और निशा के कातिल तुम हो। Oh,
रुक जाओ अजय, मुजरिम कानून के घेरे में आ चुका है। रुक जाओ, क्या कह रहा हूं मैं, रुक जाओ अजय, अजय राहुल, राहुल अंकल प्लीज रोकिए, रोकिए ना सीपी अजय को। अजय रुक जाओ, कानून को अपने हाथों में मत लो। अजय रुक जाओ, रुक जाओ अजय। कमिश्नर साहब, इसी ने दोनों मर्डर किए हैं, निशा और पारस को इसी ने मारा है, इस पे खून से मारे मुझे भी मार देगा। मैं क्या कह रहा हूं अजय, रुक जाओ, दीज आर माय ऑर्डर्स। अजय 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 रुक जाओ, नो अजय नो, अजय अजय रुक जाओ, अजय रुक जाओ, अजय रुक जाओ, अजय रुक जाओ, अजय रुक जाओ। सामे थैंक गॉड तुम कुछ नहीं हुआ राहुल, आई लव यू सो मच। सपना आई लव यू राहुल, थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कैसे रहती मैं तुम्हारे बिना राहुल, आई लव यू राहुल। लेकिन डैड मैं सपना को बहुत प्यार करता हूँ। तुम क्या जानो अजय, प्यार किसे कहते, आई लव यू राहुल, आई लव यू राहुल। अजय ये क्या किया, क्या किया ये क्या किया इसी पे अजय। डैन, डैन आखिर आपने कसम तोड़ी डाले। कसम को निभाया था तुझे जिंदा रखने के लिए, और आज अगर कसम तोड़ी है तो वो भी तेरे लिए। लेकिन डैड मैं तो उसी दिन मर गया था डैड, जब सपना मेरी जिंदगी से दूर चली गई थी। मैं जानता हूं डैड मेरी वजह से आपको काफी तकलीफ हुई होगी। इससे बड़ी तकलीफ एक बाप को क्या होगी कि इतने सालों बाद एक बेटा मिला है, वो भी ऐसे ऐसी हालत में। डैड मैं सपना के बगैर नहीं रह सकता हूं डैड, सपना सिर्फ और सिर्फ मेरी है डैड, मेरे जीते जी वो किसी और की नहीं हो सकती डैड। सपना के लिए मैं किसी की जान ले सकता हूं तो मैं अपनी जान दे भी सकता। नहीं, नहीं, मुझे चाहो या ना चाहो मुमकिन है ये, मगर तुम्हें पाके मैं रहूंगा जहां अपनी भी देकर। सबसे जुदा है जान तेरी अदा है, तू मेरा प्यार मेरा खुदा है, तू मेरा प्यार
मेरा खुदा है। तुम मेरी हो, बस मेरी हो, किसी और की नहीं हो। तेरे चांद जैसे चेहरे पे दिल फिदा है। तू मेरा प्यार, मेरा खुदा है। तू मेरा प्यार, मेरा खुदा है। तुम मेरी हो, बस मेरी हो, किसी और की नहीं हो। मुझे चाहो या न चाहो, मुमकिन है ये मगर, तुम्हें पाके मैं रहूंगा क्या अपनी भी देकर। कब से जुदा है जान तेरी अदा है। तू मेरा प्यार, मेरा खुदा है। तू मेरा प्यार, मेरा खुदा है। तुम मेरी हो, बस मेरी हो, किसी और की नहीं हो। तुझे कैसे मैं बताऊं, मैं तेरा दीवाना। तेरी चाहत में हो चुका हूँ मैं सबसे बेगाना। मेरी धड़कनों पे नाम तेरा लिखा है। तू मेरा प्यार, मेरा खुदा है। तू मेरा प्यार, मेरा खुदा है। तुम मेरी हो, बस मेरी हो, किसी और की नहीं हो। जुल्फों को सवारूं, तुझे बाहों में भर लूं। हसरत है हद से ज्यादा, तुझे प्यार मैं कर लूं। मेरे दिल का तेरे दिल से ये रिश्ता है। तू मेरा प्यार, मेरा खुदा है। तू मेरा मेरा खुदा है। तुम मेरी हो, बस मेरी हो, किसी और की नहीं हो।